प्यारे बच्चों, पहली चीज मैं जिस बारे में बोलना चाहता हूँ वो है आपका रिव्यू टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं या रिव्यू टेस्ट को कैसे प्रिपेयर करें, कैसे उसको हैंडल करें और हाउ टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस और इफ़ योर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट व्हाट टू डू। तो रिव्यू टेस्ट जो है डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है आपके तैयारी को असेस करने के लिए, बट उससे ज़्यादा मैं मानता हूँ कि आपकी रेगुलर स्टडीज और होमवर्क और क्लास है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिव्यू टेस्ट शुड नॉट एक्चुअली बी योर कॉज ऑफ कंसर्न फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, शुड नॉट बी फॉर मोर देन वन और टू और थ्री आवर्स। समझ रहे हो बात को? तो रिव्यू टेस्ट जो है देखे आए हो उस दिन तो खैर कुछ नहीं सोचते हो आप सब लोग, बाकी जो सोल्यूशन मिल जाता है, मार्क्स आ जाते हैं तो ठीक है, थोड़ी सी देर के एनालिसिस करना में कोई बुराई नहीं है कि इतने मेरे मिस्टेक्स हुई, सो दैट यू अटेम्प्ट नेक्स्ट टेस्ट विद अ बेटर स्ट्रैटेजी इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू गिव टू ईच सब्जेक्ट। बट हर टेस्ट से दूसरे टेस्ट में जाने में आपको क्या चीज़ में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए? टाइम मैनेजमेंट। तो रिव्यू टेस्ट को उस तरह से एनालिसिस करना चाहिए आपको सो दैट यू फॉर्म अ बेटर स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट टेस्ट। और दूसरी बात मैंने क्या बताया कि आपको रिव्यू टेस्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है? आपका क्लास है, क्लास में तो आप जाते ही हो और रेगुलर होमवर्क करना है। आपको अपने तीनों सब्जेक्ट के होमवर्क को इक्वली डिवाइड करके अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट करा बाकी दोनों सब्जेक्ट छोड़ दिए, पूरा टाइम एक ही सब्जेक्ट करते रहे। ये भी जो है टाइम, जैसे एग्जाम के अंदर टाइम मैनेजमेंट होता है 3 आवर्स का, वैसे ही टाइम मैनेजमेंट आपको अपने होमवर्क के लिए भी करना चाहिए। आप लोगों को तीनों सब्जेक्ट में टाइम को एक तो इक्वली डिवाइड करके होमवर्क करना चाहिए, और दूसरा जैसे एग्जाम में अपने को ये ध्यान रखना होता है कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पे वी शुड नॉट एक्चुअली स्पेंड टू मच टाइम, क्योंकि उसके दो असर पड़ते हैं। एक तो समय तो खराब हो ही गया, वो क्वेश्चन नहीं हुआ तो उसका जो स्ट्रेस है उसका असर हमारे आगे दूसरे पार्ट पे जो पेपर कर रहे होते हैं उस पर भी पड़ता है, तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट बोलते हैं। स्पिल ओवर इफेक्ट क्या होता है कि वो आप बाकी जो पेपर जो आपको करोगे तो उसमें मिस्टेक्स आपकी बढ़ जाएगी। वंस स्ट्रेस बिल्ड अप तो क्या होगी, मिस्टेक्स जो है कमिट होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो आप लोगों को जैसे एग्जाम में ये जरूरी होता है कि क्वेश्चन को पढ़ के ट्राई करके एक हमारे अंदर एक जजमेंट होना चाहिए। वो जजमेंट कैसे आता है कि वेन टू गो ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जजमेंट जो है डेवलप करने का तरीका जो है होमवर्क से ही आप अक्वायर कर सकते हो। अब होमवर्क से कैसे ये जजमेंट अपन डेवलप करें? होमवर्क को भी यदि आप तीनों सब्जेक्ट में डिवाइड करके मेरे को 2 घंटे करनी है मैथ्स, ठीक है ना, और 2 घंटे में आपके जो टाइम है उसको आपको मान के चलो कि पेपर की तरह करना है, पेपर की तरह करना है। जरूरी नहीं है कि एक एक क्वेश्चन करना है, फर्स्ट के बाद सेकंड करना है। अब 2 घंटे में जैसे पेपर करना है वैसे स्ट्रैटेजी से आप होमवर्क करो, जरूरी नहीं है सीक्वेंस में करो, आप स्किप करो, पहला आ गया दूसरा सिमिलर है चौथे भी चलेगा, बट उस 2 घंटे में आपको बेस्ट आउटपुट लाना है। यू हैव टू मेक बेस्ट यूज ऑफ दोज 2 आवर्स, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो हमें रिसोर्स जो हमारे पास है ना उसके यूज को ऑप्टिमाइज करना है। हरदम आपके पास ऐसे लग्जरी नहीं होगी कि आपको जो है काम तो बहुत थोड़ा सा है और समय आपके पास बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ अ लग्जरी, लाइफ इज नॉट अबाउट लग्जरी। आप अभी जो जिंदगी जी रहे हो इसमें आप लग्जरी मत सोचो कि आपको लग्जरी मिलेगी, तो आपके रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, काम ज़्यादा होगा, समय कम होगा, और यही वो स्थिति होती है जब आदमी अपना बेस्ट पोटेंशियल जो है डेवलप कर पाता है। हमें उस कंडीशन में क्या करना है जब रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो वी शुड ट्राई टू मेक बेस्ट यूज ऑफ आर रिसोर्सेज। रिसोर्स यहाँ पे कौन सा है जो स्केयर्सिटी है जिसकी? टाइम है ना।
तो टाइम की उस स्कैर्सिटी को आपको बेस्ट यूज करना है, उसमें होमवर्क का पर्पस समझना पड़ेगा कि होमवर्क का पर्पस क्या है। होमवर्क का पर्पस है कि जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए गए थे वो आप अप्लाई करना सीख जाए। होमवर्क का पर्पस जो है केवल जो क्लास में पढ़ाया गया उनको जो है सर्टन सिचुएशंस में हमें अप्लाई करना की प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क दिया गया। अब उस एम को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। रिव्यू टेस्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होमवर्क है और हमें अपने होमवर्क को रेगुलर करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि होमवर्क पूरा हो, हमें उसका पर्पस को भी ध्यान में रखते हुए कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। फिर आगे मिलेंगे, फिर और बात करेंगे।